हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस यूट्यूब में हम देखेंगे कुछ प्रोविजंस के बारे में जानेंगे जो कि करेक्शन से रिलेटेड है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और एडिशनल अवार्ड से रिलेटेड है। मतलब कि जो अवार्ड है उसके करेक्शन से रिलेटेड है, अवार्ड है उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और जो एडिशनल अवार्ड से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि जो अवार्ड जो दिया गया है, पास किया गया है आर्बिट्रेटर के द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसमें अगर किसी तरह का कोई करेक्शन होना है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि जो पार्टीज है उनको समझ में नहीं आ रहा है उसके, या दो मीनिंग निकल रहे हैं कुछ भी ऐसा है, तो उस केस में उसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो वो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा, या कोई एडिशनल अवार्ड जो है पास करना है तो उस केस में आपके क्या प्रोविजन है, तो उसके बारे में बात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें जो हमने बात करी कि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड, ये किस सेक्शन में दी है। ये आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के 1996 में जो आपका है उसमें जो सेक्शन 33 इस चीज से डील करता है। तो सेक्शन 33 इसी से रिलेटेड आपका है कि कोई भी करेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है या कोई एडिशनल अवार्ड है तो उससे रिलेटेड ही आपका डील करता है, उससे रिलेटेड ही जो इसके अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। तो आइए फिर इसके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 33 के सब सेक्शन 1 के बारे में। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर पार्टीज को जब जब जिस दिन से अवार्ड आपका जो पास किया गया है, जिस दिन से अवार्ड उसको मिला है आर्बिट्रल अवार्ड, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकती है, या फिर जो आपका जो पार्टीज है पार्टी के बीच में अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है आपका कि वो उसमें जो टाइम है वो स्पेसिफाइड किया गया है कि मतलब कि इस टाइम के अंदर अगर इनमें से कोई सी सिचुएशन हुई तो इस टाइम के अंदर अंदर जो है आपको जो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को या नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो, नहीं तो आपका जिस दिन जो आर्बिट्रल अवार्ड है पास हुआ है, रिसीप्ट हुआ है, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर जो है उनको इस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 का जो सब क्लोज ए है वो इसके बारे में बात करता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देकर या फिर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको रिक्वेस्ट कर सकती है, अगर आर्बिट्रल अवार्ड में किसी तरह का करेक्शन होना है, कंप्यूटेशन एरर है, किसी तरह की क्लेरिकल एरर है या टाइपोलॉजिकल एरर है, तो किसी भी टाइप की अगर एरर है तो उसको एरर करने को ठीक करने के लिए जो है रिक्वेस्ट दे सकता है। तो सब सेक्शन जो आपका है सब सेक्शन 1 के सब क्लोज ए में आपका यह दिया हुआ है करेक्शन से रिलेटेड। अगर सब सेक्शन 1 के सब क्लोज बी की बात करें तो बी में अगर बात है तो इसमें यह है कि अगर जो पार्टीज हैं वो एग्री हो जाती हैं तो उस केस में एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट उनको समझ में नहीं आ रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसकी इंटरप्रिटेशन कर दे, या फिर जो अवार्ड है उसका कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इंटरप्रिटेशन कर दे। सब क्लोज ए था करेक्शन से रिलेटेड और सब क्लोज बी है आपका इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं सेक्शन 33 के सब सेक्शन 2 के बारे में। तो सब सेक्शन 2 है ये आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो इसमें यह है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब रिक्वेस्ट कंसीडर करता है जो कि आपका सेक्शन सब सेक्शन 1 में दी गई है, तो उसमें अगर जो कोई रिक्वेस्ट आपको उसको मिलती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को करेक्शन से रिलेटेड या इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, और वो रिक्वेस्ट जो है वो जस्टिफाइड है, मतलब कि वो ठीक है, रियल में ही ऐसा है, तो उस केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो 30 दिन के अंदर, मतलब जब उसे वो रिक्वेस्ट मिली है इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर करेक्शन के लिए, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, अगर करेक्शन का केस है तो उसको करेक्ट करेगा। अगर 33 के सबसेक्शन 3 की बात करें तो सबसेक्शन 3 कहता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके पास भी ये पावर है कि जो कि आपका जो सेक्शन जो सबसेक्शन 1 पढ़ा था हमने उसका सब क्लोज ए था वो करेक्शन से रिलेटेड था, तो उसके पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है उस सेक्शन से रिलेटेड कि अगर जो अवार्ड है उसमें किसी तरह का करेक्शन हो रहा है, कोई एरर है जो कि एरर आपका सब सेक्शन 1 के सब क्लोज ए में दी हुई है, उस ऐसी कोई एरर है तो उस केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकता है, मतलब अपनी तरफ से भी वो इनिशिएटिव ले सकता है, अपनी तरफ से भी वो ये चीज मतलब कि उसके पास ये पावर है कि वो करेक्शन को ठीक कर सकता है जिस दिन उसने और जो आर्बिट्रल अवार्ड पास किया है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, तो विद इन 30 डेज वो अपने आप भी सुमोटो मतलब कि अपना आप वो कर सकता है करेक्शन। जबकि ऊपर वाले सब सेक्शन में क्या था, उसमें ये था कि जो पार्टीज थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी। सब सेक्शन 4 की बात करें तो सब सेक्शन 4 में है कि अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती तो उस केस में भी जो एक पार्टी है वो नोटिस देके दूसरी पार्टी को
किससे रिक्वेस्ट कर सकती है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकती है 30 दिन के अंदर अंदर, जब से उसको आर्बिट्रल अवार्ड मिला है, रिसिप्ट हुआ है, उससे 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड, जो कि वो आर्बिट्रल अवार्ड में जो है लिखना भूल गए हैं या देना भूल गए हैं। भाई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ना कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जो आर्बिट्रेटर है, वो भूल जाए कोई पॉइंट आपका उसमें जो अवार्ड बनाते समय लिखना, जबकि प्रोसीडिंग के टाइम पर जो है उसके लिए क्लेम किया गया है और वो अवार्ड के टाइम पे जो है उसको लिखना चाहिए, लिखना था वो चीज, पर वो किसी तरह भूल गया है, वो पॉइंट जो उसके याद में नहीं रहा है अवार्ड बनाते समय, अवार्ड मतलब लिखते समय वो नहीं रहा है, तो उस टाइम पर जो है अगर बाद में पार्टी जो है ये रिक्वेस्ट कर सकती है उस आर्बिट्रेटर से, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, मतलब कि वो जो एडिशनल अवार्ड जो देना चाहिए तो उसे जो भूल गई है वो उसको जो है दे। सब सेक्शन 5 में यही है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है कि जो सेक्शन सब सेक्शन 4 में हमने बात करी थी एडिशनल अवार्ड के रिलेटेड, तो अगर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको लगता है, कंसिडर करता है वो रिक्वेस्ट और देखता है कि वो रिक्वेस्ट जो है जस्टिफाइड है, तो उस केस में वो जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एडिशनल जो अवार्ड है, एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपका देगा, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से उसको वो रिक्वेस्ट मिली है, जिस दिन से पार्टी ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट की है, तो उस दिन से 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर उसको जो है वो एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड जो है करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सबसेक्शन 6 की बात करें तो सिर्फ सबसेक्शन 6 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो उस टाइम को जो है एक्सटेंड कर सकता है, जो कि हमने सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 5 में बात करी है, 30 दिन और 60 दिन वाली बात करी है, तो वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है अगर उसके कोई जरूरी है, मतलब कुछ वो इंक्रीज करना जरूरी है उस टाइम को, वो नेसेसरी है, तो वो करेक्शन से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड या फिर जो एडिशनल अवार्ड है उससे रिलेटेड जो है टाइम वो जो बताया गया है ऊपर सेक्शन सब सेक्शन में, तो वो उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर वो नेसेसरी समझता है। सबसेक्शन 7 की बात करें तो सबसेक्शन 7 कहता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी करेक्शन इंटरप्रिटेशन या फिर जो आर्बिट्रल जो एडिशनल अवार्ड जो दिया जाएगा तो उस पर जो है सेक्शन 31 अप्लाई होगा। सेक्शन 31 में है कि फॉर्म्स और एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। एक चीज और बताता चलूं आपको कि इस सेक्शन में जो हमने ये सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 33 हमने जो पढ़ा है करेक्शन से इंटरप्रिटेशन और एडिशनल उससे रिलेटेड, तो ये अगर बात करें जो पुराना हमारा एक्ट था आर्बिट्रेशन एक्ट जो था 1940 वाला, तो उसके अंदर भी ये करेक्शन से रिलेटेड तो था कि जो अवार्ड है वो करेक्ट हो सकता है, करेक्शन से रिलेटेड था प्रोविजन, पर अगर बात करें इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड तो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड उसमें ये प्रोविजन कोई नहीं दिया हुआ था, जो कि आपका जो नया एक्ट है, न्यू एक्ट है 1996 में, उसमें ये चीज जो है इंटरप्रिटेशन वाला चीज जो है एड की गई है। इस सेक्शन की 33 की तब जरूरत पड़ेगी जब किसी तरह की कोई गलती होती है अवार्ड के अंदर, ठीक है, जब अवार्ड पास दिया किया गया जा रहा है आर्बिट्रेटर के द्वारा, उसमें कोई करेक्शन होना हो, इंटरप्रिटेशन करनी हो या फिर आपका कोई एडिशन अवार्ड देना हो, तब आपका इस सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस सेक्शन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस यूट्यूब में हम देखेंगे कुछ